आज से शारदीय नवरात्र शुरू हुए। 9 दिन तक चलने वाली ये महापर्व और आज से हिंदू नववर्ष का शुभारंभ हुआ, यानी कि संवत्सर 9 संवत्सर 2080 के आज से 9 दिन तक चलने वाले इस महापर्व विशेष रूप से माताओं के 9 रूपों का जनता जानों की अगर हम बात करें, सुबह से देवी मंदिरों में भक्तों की, माताओं की, बच्चों की, माँ के कई रूपों का गुणगान किया जा रहा है, माँ के पूजन अर्चन किया जा रहा है। इस बार बताया भी जा रहा है कि इस बार की नौरम विशेष महत्व ले रहा है, क्योंकि इस बार में 110 साल बाद एक ऐसा दुर्लभ संयोग बन रहा है जो कई राशियों पर सुखद प्रभाव डालेगा। साथ ही कहा यह भी गया है कि इस बार माँ नवदुर्गा नौका पर सवार होकर आएंगे, यानी कि नौका पर सवार होकर आने का मतलब है अच्छी खासी वर्षा, और जब वर्षा अच्छी होगी तो निश्चित तौर पर खेती अच्छी होगी, जब खेती अच्छी होगी किसान समृद्ध रहे। यानी कि इस बार माँ का आगमन नौका पर बताया गया है और विदाई माँ की डोली पर बताई गई, यानी कि माँ डोली पर जाएंगी तो धन धान में वृद्धि होगी। निश्चित तौर पर अपने आप में सुखद संदेश 110 साल बाद जो पढ़ रहा है उसके हिसाब से, जैसा कि हमें कुछ जो है हमारे गुरु हैं उन्होंने बताया है, 110 साल बाद जो सुखद संयोग पड़ रहा है, इसी दिन माना यह जाता है कि इसी दिन भगवान ब्रह्मा ने पृथ्वी की रचना की। इसलिए यह अभी महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस वर्ष के राजा बुध और मंत्री शुक्र हैं, इसके चलते शिक्षा में, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा वृद्धि होने वाली है, बहुत अच्छी क्रांति आने वाली है। साथ ही महिलाओं के लिए अगर कहा जाए तो इस वर्ष महिलाओं के लिए जो है बहुत अच्छे अवसर, सुखद अवसर आने वाले हैं, महिलाओं के उत्थान के लिए जो अवसर हैं वो बहुत अच्छे आने वाले हैं। इस बार की नवरात्रि बहुत सारे महीनों में एक ऐसी सुखद संदेश लेकर आई है जो 110 साल बाद पढ़ने वाले इस सुखद जो है संयोग की, यानी 9 दिन तक माँ का जयकारा है। आज से शुरू हुए नवरात्रि 30 तारीख तक चलेंगे, यानी 9 दिन तक चलने वाले इस नवरात्रि पर विशेष महा। नमस्कार, हिंदू सनातनी नववर्ष 2080 की एवं नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू संवत 2080 का प्रारंभ 22 मार्च 2023 से हो रहा है और इस दिन सनातन धर्म हिंदू धर्म का नववर्ष का प्रारंभ होना माना जाता है। इस दिन अनल संवत एवं पिंगल नामक संवत दोनों प्रारंभ होंगे और इसके साथ ही इस वर्ष मकर कुंभ मीन राशि वालों को शनि की 7.5 रहेगी और कर्क और वृश्चिक राशि वालों को शनि की 8.5 रहेगी। वह पूरे वर्ष में 4 ग्रहण पड़ेंगे और प्रथम ग्रहण 20 अप्रैल 2023 को पड़ेगा। इनमें 2 सूर्य ग्रहण व 2 चंद्र ग्रहण होंगे। इसी के साथ पूरे वर्ष भर वर्षा इस वर्ष बहुत अच्छी होगी और वर्षा अच्छी होने के साथ साथ कई जगह अग्निकांड व जनधन की हानि होने और प्राकृतिक बाधाएं व प्रकोप जैसी घटनाएं भी घट सकती हैं। इसके वर्ष में अंत में कई राज्यों में चुनाव की स्थिति आएगी व वहाँ पे या पूरे विश्व में कई देशों के जो नेता हैं या उनको उद्देश्य से बाहर जाने का आदेश भी हो सकता है।